फ्रेंड्स, चांद पे सबसे पहले किसने कदम रखा था यह तो सभी को पता है, लेकिन चांद पे सबसे पहले किसने सुसु किया क्या ये कोई जानता है? और हमारे देश में एक ऐसी भी जगह है जहाँ आपको लिटरली 10 रुपए किलो के भाव से स्मार्टफोन्स मिलते हैं। और क्या आपने पूरी की पूरी ट्रेन को शिप में ट्रेवल होते हुए देखा है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप ये सब देखोगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू करते हैं हमारे फैक्ट्स के भंडार को। अब फ्रेंड्स, चांद पे सबसे पहले किसने कदम रखा ये तो आप सभी जानते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि चांद पे सबसे पहले किसने सुसु किया? हाँ, मुझे पता है कि आपको ये नहीं पता, और इसीलिए इसका जवाब आज मैं लेकर आया हूँ। वेल, ये और कोई नहीं बल्कि नील आर्मस्ट्रांग के पार्टनर बस एल्ड्रिन है। जब वो लोग ऊपर ट्रेवल कर रहे थे तब स्पेस क्राफ्ट में ही इन्हें जोर से सुसु लग गई थी, पर स्पेस क्राफ्ट में तो कर नहीं सकते ना। और इसीलिए जैसे ही वो लोग चांद पर पहुंचे और स्पेस सूट पहनकर वो बाहर निकले, तब उन्होंने आराम से सबसे पहले मुद दिया। चांद पे नहीं, उनके सूट में रहे, क्योंकि स्पेस वॉक के दौरान वो लोग अपने सूट के अंदर डायपर्स पहनकर ही निकलते हैं। अब स्पेस में चैन खोलकर कहीं पर भी वॉटरफॉल तो नहीं कर सकते ना। Oh my God! Number 2, do not judge a book by its cover. अब भाई, इस कोट को एक ऑस्ट्रेलिया के बुक स्टोर वाले ने इतना दिल पे ले लिया कि उसने अपनी सारी बुक्स को ब्राउन पेपर से रैप करके सिर्फ उसके ऊपर बुक्स के डिस्क्रिप्शन का एक छोटा सा टैग लगा दिया, ताकि लोग उस बुक के कवर को देख ना पाए और लोग उसे जज ना कर पाए। ये हुई ना बात। Number 3, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। अब फ्रेंड्स, क्या आप मानोगे अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश में एक ऐसी भी जगह है जहां आपको लिटरली 10 रुपए किलो के भाव से स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं? वेल, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली और मुंबई के सबसे फेमस बाजार चोर बाजार की। और ऐसा कहा जाता है कि ये जगह कुछ 1950s में शुरू हुई थी, और तब से लेकर आज तक यहाँ आपको दुनिया भर की चीजें, जो भी आप सोच सको, मतलब छोटी से छोटी चीज जैसे कि खिलौने, पेन पेंसिल से लेकर बड़ी से बड़े कंपनी के गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रांडेड कपड़े एक्सेट्रास, ये सब आपको बहुत ही सस्ते दामों में यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग है चोर बाजार का ये स्क्रैप मार्केट, जहाँ मोबाइल पार्ट्स जैसे कि बैटरीज, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रास, और कुछ मोबाइल तो पूरे के पूरे किलो के भाव से मिलते हैं यहाँ पर, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में। Number 4, जान बचाते बचाते हुई मौत। अब यारो, आपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली कहावत तो जरूर सुनी होगी, और कुछ ऐसा ही किया जोसेफ ब्लैंकसन, एक नाइजेरियन कॉन्ट्रैक्टर ने। तो हुआ यह था कि उसके सामने पानी में एक बोट का एक्सीडेंट हो गया था, फिर उसने एक एक करके 13 लोगों की जान बचाई, और 14th time जब वो किसी की जान बचाने गया तब वो इतना थक चुका था कि उसकी बॉडी स्विम नहीं कर पा रही थी, और इसीलिए वो वहीं पर डूब कर मर गया। और फिर बाद में जब एक्सीडेंट की जांच पड़ताल हुई तो उसमें पता चला कि उस एक्सीडेंट में सिर्फ जोसेफ ही था जिसकी मौत हुई थी, बाकी सब सेफ थे। हैट्स ऑफ टू सच ए ब्रेव मैन। Number 5, अब भाई लोग, क्या आपने कभी एक पूरी की पूरी ट्रेन को शिप में ट्रेवल होते हुए देखा है? अरे हाँ भाई, सच्ची में। जी हाँ, दुनिया में 2 जगह ऐसी है जिनके बीच में समुद्र आ गया, और अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्होंने ट्रेन के लिए एक ब्रिज बनाने की जगह अपना देसी जुगाड़ लगाया। ट्रेन रेलवे ट्रैक से होकर सीधा शिप में चढ़ जाती है, और फिर शिप ट्रेन को समुद्र के दूसरी साइड ले जाती है, फिर वहाँ से ट्रेन अपना सफर शुरू कर देती है, और जिस भी पैसेंजर ने ट्रेन की टिकट ली होती है उन्हें फ्री में शिप की राइड भी मिल जाती है। और ये जगह है जर्मनी और डेनमार्क के बीच। Number 6, क्या आपको पता है कि जॉर्जिया के समुद्री तट पे एक रियल एक्टिव न्यूक्लियर बॉम्ब है? बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि वो आज तक नहीं मिला। हाँ, आज तक उसे ढूंढा तो जा रहा है, लेकिन वो आज तक नहीं मिला। वेल, हुआ ये था कि 1958 के दौरान जॉर्जिया के टाइपी आइलैंड के पानी में 3000 किलो का न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया गया था, पर वो सुतली बॉम्ब की तरह फूटा ही नहीं, और ड्रॉप करने के बाद वो कहा गया किसी को कुछ नहीं पता, कहा गया कब फटेगा किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के भंडार में जो फैक्ट्स थे वो सभी यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, और मैं निकलता हूँ आपके भंडार को भरने के लिए, यानी दूसरे फैक्ट को इकट्ठे करने के लिए। तो यहीं पर मैं आपको लास्ट में कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।